सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग 9 सितंबर फ्राइडे के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं, कहाँ पे आपको किस लेवल पे कॉल एंड पुट की पोजीशंस बनानी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज का मार्केट कैसा था। अब अगर हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 की, तो हम लोग को बहुत बढ़िया गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। अब देखिए, कभी भी मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग दिखाता है या फिर बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है, तो अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो पहले आपको थोड़ा सा पॉज लेके ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ लोग क्या करते हैं ना, अर्जेंसी दिखाते हैं और यहीं पे कॉल बाइंग, पुट बाइंग और फ्यूचर बाइंग सेलिंग करना चालू करते हैं। और देखिए, यहाँ पे अगर आप कॉल बाइंग किए होंगे, देखिए आपका बढ़िया स्टॉप लॉस हुआ और मार्केट फिर यहाँ से एक बढ़िया रैली दिखाया। कहने का मतलब क्या है कि लेवल्स का वेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बढ़िया एक सपोर्ट आपका निकल के आ रहा था यहाँ पे एट द लेवल ऑफ 17,700, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब क्या हुआ, मार्केट को छोड़ दीजिए, आप कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, मार्केट साइडवेज क्या नीचे गया, मोर ऑफ साइडवेज मूवमेंट ही है। यहाँ पे आपकी जैसे ही मोर ऑफ आप बोल सकते हैं लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल बनी, आप इसके ऊपर बाइंग कर दे, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाना था। देखिए कितनी बढ़िया रैली आपको लगभग आज के हाई से भी ऊपर देखने को मिली है। सो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे तो इधर तो आपको बढ़िया प्रॉफिट्स देखने को नहीं मिले होंगे, बट इस वाली अगर रैली में आपने ट्रेड लिया होगा तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिले होंगे। तो देखिए, अगर आप अभी देखेंगे ना, तो मार्केट की आज ओपनिंग हुई कहाँ पे, गैप अप में। मतलब क्या है, मार्केट में कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। साथ में अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो वो भी अपने ओपनिंग के ऊपर दिखा रहा है। मतलब क्या है, बायर्स और ज़्यादा एक्टिव हैं एज कम्पेयर टू सेलर्स। सो अगर आप कल ट्रेडिंग करने के लिए जा रहे हैं तो आपको बाइंग में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। सो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो 17,700 के ऊपर क्लोजिंग दिखा रहा है मार्केट, और अगर आप देखेंगे तो इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट दिखा रहा है। सो अगर आपका निफ्टी आज के हाई को ब्रेक करता है 17,810 के लेवल को, देखिए लेवल आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 17,810 मैं आपको मार्क कर देता हूँ, 810 के ऊपर आपने बाइंग करनी है, कॉल बाइंग आप कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका रहेगा 17,850 के पास, और सेकंड टारगेट हम लोग का होगा साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ 17,900। 18,000 का भी लेवल टच हो सकता है, बट कल टच होगा बहुत मुश्किल है। सो दो टारगेट्स पे आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे एक छोटा सा स्विंग लो अराउंड 17,780 के पास। वहीं पे अगर मार्केट आपका इस रेंज के नीचे क्रॉस करता है, मैं इसको रेड में मार्क कर देता हूँ, अगर आपका बैंक निफ्टी 17,770 के नीचे क्रॉस करता है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, देखिए हमेशा लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, बट कभी कभी क्या है ना, कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना पड़ता है। तो आपको कैसे करना पड़ेगा, 17,770 के नीचे क्रॉस करें, 760 का एक 5 मिनट में क्लोजिंग दिखाए, फिर जैसे ही उसका लेवल ब्रेक होगा आपने तुरंत पुट की पोजिशंस बिल्ड करनी है। पहला टारगेट आपका होगा थोड़ा सा नीचे 17,730 के पास, और सेकेंड टारगेट आप रखने वाले हैं 17,700 के पास। स्टॉप लॉस आप क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस आप रखेंगे 17,800 के एक साइकोलॉजिकल लेवल के पास। सो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना चाहिए। यहाँ पे मैं बहुत सारे लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ लाइव मार्केट में, कब ट्रेड आपको लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है, और भी जो मार्केट में आपके सेंटिमेंट बनते रहते हैं ना, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, वो सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे फ्री में अपडेट करता हूँ। तो डेफिनेटली आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और एक चीज़ और, अगर आपको थोड़ी सी हमारी हेल्प चाहिए ट्रेडिंग में, तो आप डेफिनेटली हमारे प्रीमियम गोल्ड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसका भी जो एक्सेस है वो एकदम फ्री है, लाइफ टाइम फ्री है। यहाँ पे मैं और भी ट्रेड्स देता हूँ और इंपॉर्टेंट लर्निंग के मटेरियल्स भी प्रोवाइड करता हूँ, स्क्रीनर प्रोवाइड करता हूँ एक दिन पहले आपको किन स्टॉक्स में ट्रेड करना है लेवल्स के साथ। देखिए फ्री तो है, बट आपको बस एक छोटा सा चीज़ करना पड़ेगा, वो क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल, एलाइज ब्लू, किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कराइए उस लिंक के थ्रू, और आपको फ्री में हम लोगों की लाइफ टाइम की एक्सेस मिल जाएगी। लाइफ ये जो ऑफर है डेफिनेटली लिमिटेड है, तो आपको अकाउंट ओपन करा लेना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब अगर हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी तो रुका ही नहीं, सभी बैंक्स ने बहुत बढ़िया सपोर्ट किया, और HDFC और SBI बैंक ने, SBI ने तो बहुत अच्छा सपोर्ट किया, ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दिखाया जा रहा था, और देखिए निफ्टी बैंक ने कितना अच्छा मूवमेंट दिखाया। अब देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मार्केट गैप अप होगा तो जो आप सुबह या फिर मार्केट ओपन होने से पहले जो लेवल मार्क के चल रहे हैं वो तो खत्म हो गया, उसके अकॉर्डिंग तो आप ट्रेड कर नहीं सकते, बिकॉज मार्केट हो गया गैप अप। अब स्ट्रैटजीज काम आती है ना, स्ट्रैटजीज इसीलिए होती है। अब अगर आप देखेंगे तो मैंने एक स्ट्रैटजी डाली है बैंक निफ्टी गैप अप एंड गैप डाउन। स्ट्रैटजी में आपका ट्रेड पता है इसके हाई पे बनता था और ये आपका स्टॉप लॉस होता था। देखिए कितनी बढ़िया रैली आपको देखने को मिली है, और अगर आपने इस स्ट्रैटजी पे ट्रेड लिया होगा ना, तो उसी फर्स्ट साइड में
लगभग हमें 260-265 पॉइंट की एक बहुत बड़ी अपसाइड की रैली देखने को मिली। छोटा सा पुलबैक हुआ, स्टॉप लॉस नहीं हुआ, और उसके बाद और लगभग आपको इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो अगर आप देखेंगे तो लगभग 400 पॉइंट्स की हम लोग को बढ़िया रैली देखने को मिली है। मैं हमेशा बोलता हूँ 400 पॉइंट कोई नहीं ले पाता है, मैं भी नहीं ले पाऊंगा, बट हाँ 100-150-200 पॉइंट भी लेते हैं एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस में तो बहुत अच्छा पैसा बनता है ना। अगर आप देखेंगे तो पिछले दिन भी इसमें ट्रेड बना था, बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ट्रेड बना, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ, एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। यहाँ पे भी आपका ट्रेड बना, मोर ऑफ अ कॉस्ट टू कॉस्ट रहा। यहाँ पे फिर आपका ट्रेड बना, बहुत बढ़िया रैली देखने को मिली, और यहाँ पे फिर आपका ट्रेड बना, बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना। तो जो स्ट्रैटजी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं आपको आई बटन में ऐड कर दूंगा वीडियो के लास्ट में, तो उसको आप डेफिनेटली देख सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो अगर आप बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखेंगे तो वो भी बहुत ऊपर दिखा रहा है आज के ओपनिंग से, और डेफिनेटली हम लोग को ये इंडिकेशन मिलता है कि जो बैंक निफ्टी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना, और क्लोजिंग भी एकदम हाई के पास दिखा रहा है। तो अगर कल हाई को ब्रेक करेगा तो आप स्कैल्प करके बढ़िया अपसाइड में प्रॉफिट्स कैप्चर कर सकते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका बैंक निफ्टी आज के हाई एट द लेवल ऑफ 40,270 के लेवल को क्रॉस करता है, देखिए 40,000 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल था, उसका भी ब्रेकआउट देखने को मिला। सो अगर 40,270 के लेवल को क्रॉस करता है तो आपको फर्स्ट साइड में ही 40,350 का टारगेट दिखेगा, आप कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। सेकंड टारगेट आपको रखना होगा 40,430 के करीब। जब भी पहला टारगेट होगा हम लोग मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करने वाले हैं। स्टॉप लॉस आप क्या रखेंगे? स्टॉप लॉस आप रखेंगे 40,220 का एक स्विंग लो। वहीं पे अगर मार्केट आपका इस रेंज के नीचे क्रॉस करता है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, अगर आपका मार्केट इस रेंज के नीचे क्रॉस करता है 40,200 के, ठीक है, 40,200 के नीचे जैसे ही क्रॉस करेगा 190 मान लीजिए स्विंग लो बनाया, ऊपर आया, फिर जैसे ही क्रॉस करेगा तुरंत आपने पुट की पोजिशन लेनी है, और यहाँ पे भी आपको रिवर्सल में बहुत बढ़िया टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 14,120 और 14,070 के दो टारगेट्स आपको रखने हैं, मैं मार्क कर देता हूँ, 14,120 एंड 14,070 आपके दो टारगेट्स हो गए। स्टॉप लॉस आप रखेंगे एक छोटा सा स्विंग लो अराउंड 40,200 का एक स्विंग हाई। हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी है, विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेडिंग करेंगे स्पेशली इंडेक्स के ऑप्शंस में, वेदर इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, और अगर मार्केट अगेंस्ट चला गया और कहीं गैप अप एंड गैप डाउन हो गया ना आपके लेवल से, तो प्रॉब्लम हो सकती है, बड़े लॉस हो सकते हैं। तो हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कीजिए तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अभी भी जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो एक ऐसे लेवल पे है ना, देखिए मार्केट क्या होता है ना, अगर मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ले चलूँ, अब अगर आप देखेंगे तो आज एक्सटेंडेड मूव दिखा दिया। अब क्या है ना, पिछले दिन साइडवेज था, आज बहुत बड़ी अपसाइड की रैली दिखाई, पिछले 4 से 5 दिन का जो भी हाई बना था उसका भी ब्रेक कर दिया। तो जिस साइड भी मार्केट मूव करता है, या तो सेलर्स यहाँ से नीचे खींचने की कोशिश करेंगे इस रेंज में लाने की, या फिर बायर चाहेंगे कि यार इसके ऊपर हायर हाई बनाए, तो जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिले। तो लेवल के साथ ट्रेडिंग कीजिएगा विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो हम लोग का एम रहेगा एटलीस्ट 500 लाइक्स। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो फ़ायदा क्या होता है, मुझे पैसे कुछ नहीं मिलते हैं, फ़ायदा ये होता है कि वीडियो की जो रीच होती है, ग्रोथ जो होती है वो बढ़ती है, अच्छे लोगों के पास जाती है, कंटेंट अच्छे से प्रमोट हो पाता है, और साथ में क्या होता है कि चैनल की ओवरऑल ग्रोथ होती है। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं आपका एक्सपायरी कैसा रहा। और इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोर्स की डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और डेफिनेटली अकाउंट ओपन कराना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।